हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अपनी ताकत जड़ी है वो सोच च होनी चाहिए है, ना कि उच्ची बोल के होनी चाहिए है। उच्ची बोल के सुना के लोगों को कुछ नहीं होना। जो तुहाडे दिमाग च है तुसी सोच सकते हो या किसी नू हेल्प कर सकते हो वो मैटर करता है। जिवें एक कोई 50+ लेडी सी, वर्किंग लेडी सी, उन्हें रोज़ बस च आना जाना, गोडे दुखते सी, पैर दुखते सी, सारा दिन काम उन्होंने करना पैंदा सी क्योंकि घर च होर कोई अर्निंग करने वाला है नहीं सी। आपदे बच्चे पाल रही सी वह, तो जो बस ट्रैवल करना कदे उन्होंने सीट मिल जाती कदे नहीं मिलती सी। एक दिन वो बस से चढ़ी उदा ही, तो बड़ी औखी खड़ी हुई सी, रश सी, तो एक मजदूर औरत सी कोई वो सीट पर बैठी सी। उन्हें जो देखा कि वो लेडी खड़ी है, कहते मैडम आप बैठ जाए, मैं खड़ी हो जानी है। वो कहती नहीं नहीं कोई गल नहीं, तू बैठ, मैं ठीक हाँ। कहती नहीं नहीं तुसी बैठो, मैं खड़ी होनी है। वो यंग सी, उहदे नालों वो लेडी ने बड़ा उहदा थैंक यू किया, तो वो सीट पर बैठ गई। तो दिलो दिल ही वो औरत दा, मजदूर औरत दा भी धन्नवाद करे, तो रब दा भी शुक्र करे कि मैनू सीट मिल गई। किन्नी लोग मतलब किन्ना सोचते हैं, किसी ने होर ऑफर नहीं की सीट उन्होंने, तो ये मजदूर औरत के दिल च रहम आया, तो उन्हें मैनू बैठन नूं कहा। वो बैठी रही थोड़ी, अगले स्टॉप ते आके जिहड़ी उहदे नाल सवारी सी उतर गई। उन्हें फिर वो लेडी नूं बुलाया, मजदूर औरत नूं, कि चल हुण तू बैठ जा। कहिंदे नहीं, एक कोई होर औरत खड़ी सी, उहदे उन्हें बच्चा चक्किया होया सी, ते बच्चा रो रहा सी, उन्हें उन्होंने बिठाता कि तुसीं बैठ जाओ, कोई गल नहीं मैं ठीक हाँ। एक दो स्टॉप्स बाद वह भी उतर गई। उन्हें फिर क्या मैडम ने कि तुसी बैठ जाओ आके हुण। वो कहिंदी नहीं मैं खड़ी हाँ। उन्हें एक बजुर्ग बंदा खड़ा सी 80-85 साल का, उन्होंने सीट देती, मतलब शी डिडंट सिट। और लास्ट स्टॉप जो आने वाला सी, बस ऑलमोस्ट खाली सी, तो उन्हें मैडम ने कहा कि चल हुण तो तुसी बैठ जाओ, बस खाली है। तो वो कोल आके बैठ गई। तो मैडम ने पूछा कि तू क्यों सीट दिती, भी कोई होर खड़ा नहीं होया। कहिंदी मैडम मैं तुहानूं बाहर देखिया सी कि तुसी खड़े होए, तुहाडे पैरां च दर्द सी, जदों तुसी बस चढ़न लगे हो उदों भी तुहानूं तकलीफ होई, तो तुहानूं खड़ा होना पै रहा सी, तो मैं तां करके तुहानूं सीट देती। कहिंदी फिर दूसरी बार बैठ जाती। कहिंदी नहीं फिर उहनूं ज़्यादा लोड़ सी, उहदा बच्चा सी उहदी गोदी च, रो रहा सी, उहनूं ज़्यादा लोड़ सी। इसे तरह उन्हें सारे एग्जाम्पल्स मतलब कहा कि उन्होंने ज़्यादा लोड़ सी, इस करके मैं। कहिंदी तू ये रोज़ ही करती है कि अज ही किया? कहिंदी नहीं मैडम मैं रोज़ ही इदा करती हाँ, क्योंकि मेरे को पैसा तो है नहीं कि मैं किसी को दान कर सकाँ या मैं किसी को कुछ दे सकाँ। जो मेरी सेवावां हैं, जो मैं कर सकती हाँ, जिन्ना क मेरे हाथ च है पुण कमाण दा हीला, वो मैं करती हाँ। कदे मैं सड़क ते तुरी जांदी, कोई इट पई है मैं वो पासे कर दिंदी हाँ, कितें कूड़ा कचरा पिया मैं वो चक के डस्टबिन च पा दिंदी हाँ। जो भी छोटा बहुत थोड़ा बहुत जो भी मैं कर सकती हाँ वो मैं करती हाँ। तो वो मैडम ने उहदी सोच नूं सलाम किया कि ये इस तरह सोच सकती है, तो दूसरे क्यों नहीं सोच सकते, दूसरे क्यों नहीं सोचते, राइट। तो ये छोटी जी गल आपां नूं जिहड़ी जर्नी है ये दसदी है कि आपां जरूरी नहीं कि किसी की पैसे नाल ही मदद करनी है। किसी का तुसीं कोई प्रॉब्लम च है, तुसीं उहदी प्रॉब्लम सुन सकते हो, कोई डिप्रैशन च है उहदियां प्रॉब्लम सुन के उहनूं सोल्यूशन दे सकते हो, कोई जो तुसीं अपना टाइम किसी नूं दे सकते हो, जो भी तुसीं थोड़े चो थोड़ा जो कर सकते हो वो अपन करना चाहिए। ह्यूमैनिटी सेक अपन ये करना चाहिए। सिर्फ किसी जो आप एक मुस्कान दिने हैं कुछ अगले की प्रॉब्लम सुन के या कोई उसकी हेल्प करके, तो वी शुड गो फॉर इट। नहीं पैसा जरूरी नहीं हुंदा हर जगह पैसा ही तुसी किसी को देना है, अपना टाइम दो, किसी को हेल्प करो, जो कुछ तुसी छोटे तो छोटा जो कर सकते हो करो। कीप दैट इन माइंड, be happy, let all others be happy, be blessed always.